गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम आपके सामने करंट जीके का सेक्शन लेके आए हैं और करंट जीके में देखेंगे। पहले देखिए, अपना पहला एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ और उसी तरीके से हम आगे से क्वेश्चन करते रहेंगे करंट जीके के। तो पहला अपना है कि टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कब से किया जाएगा, तो इसका आंसर रहेगा 23 जुलाई 2021। इसके बारे में थोड़ा सा जान भी लेते हैं। तो आगे देखिए कि कोरोना वायरस के कारण स्थगित किए गए टोक्यो ओलंपिक का आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक होगा, जबकि पैरालंपिक का आयोजन 2021 में 24 अगस्त से 5 सितंबर तक किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन इसी वर्ष होना था, 24 जुलाई को होना था। तो ओलंपिक के 124 वर्षों के इतिहास में यह पहला मौका है जब खेलों को स्थगित किया गया था। इसके बारे में हमें परीक्षा की दृष्टि से कुछ पूछे जा सकने वाले तथ्य हैं कि ओलंपिक का आरंभ कब से हुआ। प्रारंभ था वो 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस से, और अगले ओलंपिक है 2024 पेरिस में, और 2028 के अंदर होने वाले लॉस एंजेलिस में है। तो ऐसे क्वेश्चन हमें रेलवे, पटवारी, राजस्थान पुलिस के अंदर ज़्यादा पूछने की संभावना है, एलडीसी के अंदर भी पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन अपना है, पहला क्वेश्चन रहेगा कि भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे हुए। पहला ऑप्शन जापान, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो ऑप्शन बी इसमें भी दिया है, आप इंग्लिश में भी इसको देख सकते हैं। मेरा नेक्स्ट इसी के बारे में चर्चा करते हैं कि भारत और चीन के राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे हुए। भारत और चीन ने कोविड-19 महामारी के कारण अपने राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मनाने के लिए निर्धारित सभी इवेंट्स को स्थगित कर दिया। भारत एशिया का पहला गैर साम्यवादी देश था जिसने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। तो चाइना के बारे में थोड़ा पूछा जा सकता है कि चीन की राजधानी है वो बीजिंग है, और राष्ट्रपति सी जिनपिंग, और मुद्रा है रेमिबी युआन, या फिर एक CNY इज इक्वल टू होता है के बराबर अपने 10 INR है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राज्यसभा दिवस कब मनाया जाता है। तो राज्यसभा दिवस है वो 3 अप्रैल को मनाया जाता है। 3 अप्रैल को राज्यसभा दिवस मनाया जाता है। 3 अप्रैल 1952 को संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा की स्थापना हुई, तब इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट्स था। राज्यसभा नाम 23 अगस्त 1954 को तत्कालीन सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की ओर से सभा में की गई घोषणा के बाद कहा जाने लगा। राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी, तब तक राज्यसभा के 251 स्तर हो चुके थे। अब तक है वो 251 स्तर हो चुके हैं। परीक्षा की दृष्टि से राज्यसभा स्थायी एवं उच्च सदन, कार्यकाल है इनका 6 वर्ष, सदस्य 252, वर्तमान में कितने हैं 245, और सभापति वेंकैया नायडू, उपराष्ट्रपति पदेन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि किस संस्था ने कोविड-19 से बचने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैविक सूट विकसित किया है, वो है DRDO ने किया है। इसके बारे में जानते हैं, DRDO ने कोविड-19 से बचने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैविक सूट विकसित किया। सुरक्षा और अनुसंधान, DRDO यह भी सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि इन सूटों का उत्पादन बड़ी संख्या में किया जाएगा। परीक्षा की दृष्टि से DRDO के बारे में पता होना चाहिए कि DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1958 के अंदर। अध्यक्ष हैं G.S.T. रेड्डी, और मोटो इनका जो ध्येय वाक्य है वो क्या है, बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी स्ट्रेंथ्स ओरिजन इज इन साइंस। तो मोटो या ध्येय वाक्य का थोड़ा ध्यान में रखना, बलस्य मूलम विज्ञानम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है कि किस प्रोजेक्ट के तहत IISc बेंगलुरु के वैज्ञानिकों और छात्रों ने स्वदेशी वेंटिलेटर विकसित किए। तो अपने पास में इसका उत्तर रहेगा सी, प्रोजेक्ट प्रमाण। इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं, और प्रोजेक्ट प्रमाण के बारे में जानिए क्या है। प्रोजेक्ट प्रमाण IISc बेंगलुरु के वैज्ञानिकों और छात्रों ने विकसित किया स्वदेशी वेंटिलेटर। वेंटिलेटर है वो, जैसे कि कोविड-19 के अंदर व्यक्ति को लास्ट स्टेज के सांस की दिक्कत आती है, तो सांस में कठिनाई है, वो सांस वेंटिलेटर के द्वारा ही उसको
दिलवाया जाता है। तो IISc बेंगलुरु के छात्रों और वैज्ञानिकों ने प्रोजेक्ट प्रमाण के तहत एक स्वदेशी वेंटिलेटर विकसित किया। वेंटिलेटर में संपीड़ित हवा के साथ ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। ये बात है वो दोस्तों, ध्यान में रखना कि वेंटिलेटर में संपीड़ित हवा और ऑक्सीजन का मिश्रण है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि वेंटिलेटर बनाया गया था उसके अंदर किसका मिश्रण था, तो संपीड़ित हवा के साथ में ऑक्सीजन का मिश्रण है। सांस लेने में कठिनाई का सामना कर रहे COVID-19 योगी के रोगियों के लिए सभी देश अपने वेंटिलेटर स्टॉक का प्रयास बढ़ा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन अपना रहेगा कि किस वैश्विक संगठन ने COVID-19 पर प्रस्ताव पारित किया, तो संयुक्त राष्ट्र ने किया था। संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने COVID-19 पर प्रस्ताव पारित किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने COVID-19 के बारे में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें इस महामारी से को हराने के लिए गहन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मांग की। भारत सहित 188 देशों द्वारा सह प्रायोजित प्रस्ताव को कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ संघर्ष के वैश्विक एकजुटता का नाम दिया। विश्व संगठन द्वारा इस वैश्विक महामारी के बारे में जानकारी जारी किया गया अपनी तरह का यह पहला दस्तावेज है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में देखते हैं, परीक्षा की दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र संघ है वो इंपॉर्टेंट रहता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना थी वो 24 अक्टूबर 1945, मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर है। महासचिव है एंटोनियो गुटेरस। सदस्य देश है 193 और आधिकारिक भाषाएं हैं वो 6 हैं, अंग्रेजी, अरबी, चीन, फारसी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास में है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है कि किस राज्य सरकार ने पेंशन सुविधा नागरिकों के घर तक पहुंचाना आरंभ किया, तो यह किया था आंध्र प्रदेश ने। तो इसके आंध्र प्रदेश के बारे में, आंध्रा सरकार पेंशन सुविधा नागरिकों के घर तक पहुंचाना प्रारंभ किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के 58,44,240 लाभार्थियों को पेंशन सुविधा उनके घर तक पहुंचाना शुरू किया है। इसका उद्देश्य लाभार्थी को घर में रहने और बाहर निकलने से बचने के लिए प्रोत्साहित करना है। आंध्र प्रदेश के बारे में, परीक्षा की दृष्टि से आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है हैदराबाद या अमरावती, मुख्यमंत्री है जगमोहन रेड्डी और राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन अपने पास में है कि सात किस देश के बोवेटन दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति हैं, वो हैं ब्रिटेन इनके बारे में जाने। तो ब्रिटेन के बोवेटन बने दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने ब्रिटेन के बोवेटन के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में 30 मार्च 2020 तक 112 साल 1 दिन तक पुरुष है वो जीवित रहने व्यक्ति का खिताब जीता है। बोवेटन को यह रिकॉर्ड खिताब जापान के चितेसु वातानावे का 23 फरवरी 2020 को 112 साल और 355 दिन पर निधन होने के बाद दिया गया। परीक्षा की दृष्टि से ब्रिटेन की राजधानी लंदन, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, मुद्रा है वो पाउंड स्टर्लिंग और XGBP इज इक्वल टू 90 INR बराबर है इनके। ठीक है, आगे देखें, क्रिकेट में कौन सा नियम देने वाले टोनी लुइस का निधन हो गया, तो टोनी लुइस ने जो नियम दिया था वो क्या था, डेकवर्थ लुइस नियम दिया था। डेकवर्थ लुइस नियम है क्या, ये देखें, क्रिकेट के डेकवर्थ लुइस नियम देने वाले टोनी लुइस का निधन वर्षा से प्रभावित सीमित ओवरों के क्रिकेट मैच के नतीजे के लिए इस्तेमाल होने वाला नियम डेकवर्थ लुइस वर्टन DLS जिन्हें कहा जाता है देने वाले में शामिल टोनी लुइस का निधन हो गया। टोनी लुइस एक गणितज्ञ थे जिन्होंने अपने गणितज्ञ साथी फ्रैंक डेकवर्थ के साथ मिलकर वर्ष 1997 में डेकवर्थ लुइस नियम दिया। डेकवर्थ लुइस स्टर्न मेथड या नियम DLS एक गणितज्ञ सूत्रीकरण है जिसका इस्तेमाल मौसम या अन्य परिस्थितियों से प्रभावित सीमित ओवरों के क्रिकेट मैच में बल्लेबाजी करने वाले टीम के लिए टारगेट स्कोर की गणना करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा, आज का जो लास्ट सवाल रहेगा वो आपको उत्तर लिखना है कमेंट बॉक्स में,
और वीडियो के बारे में भी लिखना है। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो करंट जीके की ऐसी वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे। तो अपना आज का सवाल है, इसका आपको उत्तर कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। और वीडियो को शेयर, कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।